मैं तो सीना तान के बैठा हुआ हूँ, जिसको लीडर को, माइनॉरिटी कमीशन के प्रेसिडेंट को, जिसको भी आना है वो मेरी गैरहाजिरी में आके इंक्वायरी कर ले। इस स्कूल में प्रेसिडेंट ऑफ मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी अब्दुल वहाब पारेख की बेटी और भतीजी भी आई थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं ये बोलू कि सारे सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं तो मैं इसको नहीं मानता, उसमें ईमानदार भी लोग रहते हैं। मेरे 52 साल के करियर में एज ए टीचर, 33 साल एज ए सेक्रेटरी, ये मैंने देखा कि पूरे नागपुर के अंदर जिला परिषद में 3 ऐसे अधिकारी आए थे जो रिश्वत नहीं लेते थे। मैं ये बोलू कि जिला परिषद का हर कर्मचारी रिश्वत लेता है, कितना बड़ा आरोप है। प्यारे खान साहब भी नाम सुनेंगे तो उनको भी हैरत होंगी। कोई आम आदमी लोग नहीं है, इसके जो पदाधिकारी है उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो शहर के नाम पर उद्योगपति है। क्या है, सबको मालूम है यहाँ पैसा नहीं लगता है। अब एक पोस्ट के लिए 15-25 लोग आते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट हो जाता है बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि उसने पैसा दी होंगी करके हमारा लिए, जिससे द कॉमन फेनोमेनन। मैं मोहम्मद नजीरुद्दीन, रिटायर्ड हेडमास्टर हुसामिया बॉयज हाई स्कूल और फाउंडर सेक्रेटरी मिल्लत एजुकेशनल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। मैं यहाँ 1990 से मिल्लत प्राइमरी हाई स्कूल चला रहा हूँ, जहाँ तकरीबन 800 बच्चा पढ़ता है। ये सारे बच्चे बिलो पावर्टी लाइन फैमिली से आए हुए हैं। इन बच्चों को जितनी भी शैक्षणिक सुविधा होती है हम देते हैं, यहाँ तक के ऑटो का किराया भी उनको देते हैं। जी जी सर, लेकिन ये आपके ही स्कूल के एक जो मरहूम सर थे, क्या वजीर पूछना, शकील जी, उनकी वाइफ है उमेद कुलसुम, उन्होंने आप पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अनुकंपा में आपसे जॉब मांगी थी, बट आपकी तरफ से कुछ ना कुछ बहाने कर डीले किया गया। इसका जवाब ये देता हूँ कि उनके चौहर के इंतकाल के बाद, पहले तो 6 महीने तक के अंदर उन्होंने अनुकंपा में डिमांड करनी थी, मगर उन्होंने की नहीं। उसकी वजह यह है कि शी वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी पोस्ट इन आवर स्कूल। वो प्राइमरी की पोस्ट के लिए भी लाइबल ने अपने वो नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी। अब उसके बाद उन्होंने 2022 में डीएड किया और डीएड करने के बाद उन्होंने अनुकंपा की डिमांड की। हमने पूरा काम शासन के सुपुर्द सौंप दिया। आज तक शासन के यहाँ से हमको ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम से मैट्रिक है और रूल के मुताबिक हमारा स्कूल प्राइमरी जो है उर्दू मीडियम का स्कूल है, तो हम एक इंग्लिश मीडियम की टीचर उर्दू प्राइमरी में फिट नहीं होती लीगली, समझ में आया। एक बात, दूसरी बात, आपने क्या प्रश्न किया आज, हाँ बोलिए ना। उन्होंने आप पर ऐसा आरोप लगाया कि किसी ना किसी वजह से आपने उनको अनुभव में शामिल नहीं होने, वो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है उसका, बिल्कुल आरोप झूठा है। हमने इस वजह से आपने उनको लिया नहीं, यानी कि वो एजुकेशन के हिसाब से, हाँ, बस, बस, एलिजिबल नहीं थे। दूसरी बात, उन्होंने ये बोली है कि जब जेटपी से बारंबार उनको लेटर मिले हैं, आपको भी लेटर भेजे गए हैं कि जेटपी का आदेश है कि इनको जॉब दी जाए, उसके बावजूद आपने उन लेटर्स को या जेटपी के आदेश को मानने से इनकार किया। जेटपी ने अपना दामन बचा के आदेश दिया है, जेटपी को हमने पूरा रिकॉर्ड दे दिया है, उसकी शैक्षणिक पात्रता क्वालिफिकेशन वाज नॉट फिट फॉर उर्दू मीडियम, उन्होंने लिखा कायदे परमाने नियुक्ति दिया हुआ। तो हमने जेटपी से कहा कि आप ऐसा लिखो कि उसके पास शैक्षणिक पात्रता ना भी हो तो आप आदेश दे दिए तो हम रख लेंगे, क्योंकि कल अगर सैलरी की रिकवरी निकली तो हम कहाँ से देंगे। तो ऐसा आदेश शिक्षण अधिकारी ने आज तक दिया नहीं। फिर तो दूसरी सवाल यह है कि उनके हस्बैंड के मरने के बाद प्राइमरी में हमने 7 शिक्षक अपॉइंट किए, अगर हमारा केस वहां चल रहा था तो शिक्षण अधिकारी ने उनमें से किसी एक का अप्रूवल रोक लेना था, उसने रोका क्यों नहीं। दूसरी बात, उसने तो एक सरप्लस टीचर भी भेजा, हमने रखा, तो वो सरप्लस टीचर ना भेजते हुए आदेश लिखता कि इसकी जगह उनमें कुलसुम को रख लो। हम तो आदेश को पालन करने वाले हैं ना, सैलरी तो हम नहीं देते ना, हम नहीं देते और हम नहीं देते ना मैडम। ठीक है, अब उनका जो और आरोप है बताइए ना, मेन आरोप तो आप पूछ ही नहीं रहे, गंभीर आरोप बोल सकते हैं। हाँ, 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 कि उन्होंने एक और आरोप ऐसा भी रखा है कि आप टीचर्स अपॉइंट करने के लिए कि पैसों की डिमांड करते हैं, रिश्वत लेते हैं,
और कहीं ना कहीं वो ये सब चीजें करने में या आपको पैसे देने में मतलब उतनी क्षमता नहीं रखती है, इसीलिए आप उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप 9 बजे से 1 बजे के बीच मेरी पाठशाला में कभी भी आ जाए, मैं वहां रहूंगा नहीं और मेरा पूरा टीचिंग स्टाफ रहेगा, आप उनसे इसका खंडन कर ले। अब आप कहेंगे साहब रिश्वत ले रहे हैं, आप रिश्वत दे रहे शिक्षक, क्या कोई मुजरिम अपना आरोप स्वीकार करेगा? तो मेरा मानना यह है, मैं भी मुसलमान हूँ, चैनल वाले आप भी मुसलमान हैं और मेरा पूरा शिक्षक दल मुसलमान है। मुसलमान का सबसे बड़ा ईमान कुरान है, उन सबके हाथ में कुरान दे दीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि किस किस से कितना पैसा मांगा और किस किस ने पैसा दिया। मुझे गर्व है, फख्र है, आई एम प्राउड ऑफ दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन नागपुर, आई डोंट बिलीव अदर इंस्टीट्यूशन वेयर नथिंग हैज बीन टेकन। और हमारा अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ उनकी मैं पात्रता के ऊपर होता है, अगर होता तो मेरी भतीजी मेरे भाई की बीवी है, मुझे अपने बच्चों का शैक्षणिक मर्डर नहीं करना है, अगर मैं रख सकता था। और उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि अभी जो हाल में अपॉइंटमेंट हुआ है उसने 28 लाख रुपए दिया है और उसने अपना घर बेच के दिया है, तो वो शिक्षक है, उस जानना चाहूंगा मैं आत्मा से कि उसने 28 लाख दिया तो कौन सा घर बेचा, कहाँ था और अब वो किस वक्त किस किराए के मकान में रहता है, उसके मकान मालिक का नाम क्या है। और जिस चैनल ने आरोप लगाया मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि फिर एक एपिसोड डाल दे जिसमें सारे कंक्रीट सबूत दस्तावेजी सबूत सब दे दे। और मेरा स्टाफ खुला हुआ है, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, आऊंगा नहीं, मेरे स्टाफ से आप ले लीजिए। और आप बोलेंगे कि वो कैसा बोलेंगे, हमने लाख दिए 10 लाख दिए, तो उनके हाथ में कुरान दे दीजिए, इससे ज्यादा मैं सबूत नहीं दे सकता। हाँ इतना कह सकता हूँ आज तक इस इदारे में किसी से 10 पैसा ले लिया गया है, ना मांगा गया है, लेना तो दूर बात है। ये भी नहीं मालूम रहता कि ये बच्ची कहाँ की है, किसकी है, जब अपॉइंटमेंट होता है तब मालूम होता है कि किसकी बच्ची है। इस स्कूल में प्रेसिडेंट ऑफ मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी अब्दुल वहाब पारेख की बेटी और भतीजी भी आई थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब होता क्या है, सबको मालूम है यहाँ पैसा नहीं लगता है, अब एक पोस्ट के लिए 15-25 लोग आते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट हो जाता है बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि उसने पैसा दी होंगी करके हमारा नहीं हो, दिस इज द कॉमन फेनोमेना आजकल लोगों ने उठा लिया, मेरी लड़की का नहीं हुआ मतलब मिल्लत में पैसा लिया जाता है, दिस इज नॉट द ट्रूथ, हो रहा है ना ऐसा। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, बैठे 19 लोग थे, इनका अपॉइंटमेंट हुआ जब स्कूल से ग्राम भी नहीं थी, उस वक्त तो हमको पैसे की जरूरत थी ना, तो लोग उनको पहचानता नहीं है, तो लोगों ने बोलना शुरू करे उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए उन्हें करके, तो हमारी बच्ची का अपॉइंटमेंट हुआ, दिस इज अ कॉमन फेनोमेनन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो ये सीना तान के बैठा हुआ हूँ, जिसको लीडर को माइनॉरिटी कमीशन के प्रेसिडेंट को जिसको भी आना है वो मेरी गैरहाजिरी में आके इंक्वायरी कर ले। और अगर हाँ, जैसे कि अभी हमारे जो अल्पसंख्यक आयोग है प्यारे जिया खान जी, जिनके सामने ये पूरा मामला गया हुआ है और शायद आपका एक हियरिंग हो भी चुका है, हाँ जी, तो आप प्यारे जिया खान से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि उनको माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनको पहले स्कूलों में आके देखे, एक मुहावरा उर्दू में सावधान भारत पसंद ही नहीं है। मैं ये बोलूं कि सारे सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं तो मैं इसको नहीं मानता, उसमें ईमानदार भी लोग रहते हैं। मेरे 52 साल के करियर में एज ए टीचर, 33 साल एज ए सेक्रेटरी, ये मैंने देखा कि पूरे नागपुर के अंदर जिला परिषद में 3 ऐसे अधिकारी आए थे जो रिश्वत नहीं लेते थे। मैं ये बोलूं कि जिला परिषद का हर कर्मचारी रिश्वत लेता है, कितना बड़ा आरोप है। अब आपने भी अभी कहा कि भाई सब स्कूलों का रिकॉर्ड खराब है, तो इसका मतलब नहीं है उन खराब स्कूलों में मेरा भी स्कूल है, एटलीस्ट उनको आना चाहिए था। और इस स्कूल के जो पदाधिकारी है उनके नाम आप सुनेंगे तो लोग हैरत पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं जो इसके ऑफिस बेयरर है, प्यारे खान साहब भी नाम सुनेंगे तो उनको भी हैरत होंगी, कोई आम आदमी लोग नहीं है। इसके जो पदाधिकारी है उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो शहर के नाम पर उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी है जो लाखों लोगों को डोनेशन देते हैं, जो लोगों को पढ़ाते हैं, दोनों के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मेरा जवाब है। तो आप कुलसुम ने जो भी आरोप लगाया पूरे खारिज, आई रिजेक्ट टोटल इन टोटल आई रिजेक्ट व्हाटएवर एलिगेशन एंड चार्जेस शी हैड प्रेम थ्रू हिज लेट चैनल। और मैं तो उस पर भी केस करूंगा, मेरा केस शायद नोटिस मिल भी गए होंगे उनको इमीडिएटली, जैसे ही मैंने देखा वैसे मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई
और ये दो रेजोल्यूशन आपने पढ़े हैं कि पहले केस डालना और दूसरे उनको बोलना कि पहले आके इंक्वायरी कर ले और माफी मांगे चैनल पर जी। मैं जो इंटरव्यू मेस्मा ने दिया है उसमें जितनी बातें उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, खासतौर से ये आरोप के पैसा लिया जाता है, ये मैं बिल्कुल खारिज करती हूँ। इसलिए कि आप, मैं उन चैनल वालों से भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्जाम अगर स्कूल के अध्यक्ष या किसी पर भी लगाया है, तो आकर पहले उनको यहाँ पर बात करनी चाहिए थी, टीचर्स से बात करनी चाहिए थी। जिस न्यू अपॉइंटमेंट टीचर की उन्होंने बात की, उससे पहले उनको मिलना चाहिए था चैनल वालों को, कंफर्म करना चाहिए था, फिर वो बात डालनी चाहिए थी। किसी पर इतना बड़ा आरोप लगा देना कि 28 लाख रुपए लेकर अपॉइंट किया गया, ये गलत। जैसा उन्होंने कहा है कि मतलब जो सर ने अनुकंपा में जो उनको जॉब देना था जी, वो नहीं दिया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि आप भी कंटिन्यू यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपको कितने साल हुए हैं यहाँ? मुझे 30 इयर्स। 30 साल जी। तो ये 30 सालों में आपने मतलब क्या महसूस किया, स्कूल में जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके का है, या वाकई में जो उम्मीद कुलसुम ने जो एग्जाम लगाया उसमें कुछ सच्चाई? देखिए, मेरा जो 30 साल का इस मैनेजमेंट के साथ और इस स्टाफ के साथ जो काम का तजुर्बा है एचएम्स के साथ में, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बहुत ईमानदारी और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर काम होता है। जो भी मेस्मा ने जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो सब गलत हैं। स्कूल में उन्होंने, सर ने जो भी रोल के हिसाब से भले ही उनको अपॉइंट नहीं किया, लेकिन पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं और एक और मेरी कलीग है फरहत यास्मीन, हम दोनों को उन्होंने भेजा था उनके घर और अमाउंट लेकर, और उनसे ये भी कहा था, हम गए उनसे बात किए कि सर ने ऐसा कहा है कि आपको भले ही स्कूल में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा, लेकिन किसी वजह से हम आपकी पर्सनल हर मंथ एज ए सेक्रेटरी नहीं बल्कि उनके जेठ, उनके जो भाई हैं, उसकी हैसियत से, उस नाते से, उस रिश्ते से उन्होंने हमको भेजा था कि जाकर उनसे कहिए कि मैं हर महीने आपको ये हेल्प करूंगा फाइनेंशियली। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया मैडम, उन्होंने कहा कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए।